कि हमारे सारे नेता लोगों को झोरा घंटा टोपी रखा जाएगा पार्टी से, पार्टी के वैसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिन्होंने आज तक कोई कार्यकर्ता का नाम तक नहीं जाना है। प्रदेश के नेता हमारे सम्राट चौधरी जी से मैंने मिल करके मैंने बोला कि मैं अब हमको बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं वरीषा आपके साथ। लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ी खबर आ रही है, राजद को फिर लगा बड़ा झटका। केसरिया विधानसभा क्षेत्र के संतोष कुशवाहा ने आज आरजेडी का दामन छोड़ भाजपा का रुख मोड़ा है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उन्हें वहां किस तरह का असहज महसूस होता था और उनके साथ अव्यवहार किया जाता था, तो इसी कारण उन्होंने यह कदम उठाया है। आप सबसे पहले यह वीडियो क्लिप देखें जिसमें उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। मेरे साथियों, बुजुर्ग, गार्जियन, नेता और कार्यकर्तागण, साथियों, अपार खुशी की दिन है यहाँ जो मैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को छोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यताकरण कर रहा हूँ। इसके लिए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे पूर्वी चंपारण जिला के नेता, सांसद एवं पूर्व मंत्री आदरणीय राममोहन सिंह जी को आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, भारतीय जनता पार्टी यह गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की पार्टी है। मैंने हर तरह से समझ बुझ करके और अपनी पार्टी की सदस्यताकरण किया हूँ। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल में मैं रह करके घुटन महसूस कर रहा था। हमने देखा है अपने जिला में पूर्वी चंपारण में, साथियों, ऐसे हमारे आदरणीय लालू यादव जी ने करके दिखा दिया कि हमारे सारे नेता लोगों को झोरा झंडा टोपी रखा जाएगा पार्टी से, पार्टी के वैसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिन्होंने आज तक कोई कार्यकर्ता का नाम तक नहीं जाना है, उसको आगे बढ़ा करके और मेरे पूर्वी चंपारण जिले को दल को दूसरे दल में बंधक रख करके, जरपेशी रख करके, बंधक उसमें रख करके लोगों को, कार्यकर्ता को अपमानित किया जा रहा है। बहुत दिनों से मैंने घुटन महसूस कर रहा था और देखते देखते मैंने अपने नेता से, हमारे अपने प्रदेश के नेता हमारे सम्राट चौधरी जी से मैंने मिल करके मैंने बोला कि मैं अब हमको बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, मैं अब आपके दल में सदस्यताकरण करूँगा। उन्होंने मुझे सलाह दिया कि आइए, स्वागत है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि इस बार मोदी जी के 400 पार करने के लक्ष्य को समर्थन देंगे और बिहार बीजेपी में 40 के 40 सीटों पर जीत होने की सहमति दर्ज करेंगे, उन्होंने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिल से धन्यवाद दिया है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज 24 को, हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।